हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। 29th of July के 2024 के ये जो करंट अफेयर्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको आने वाले एग्ज़ाम में प्रिंट मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो देख लेना, जब एग्ज़ाम दे दो तो देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में हमारा मेजरली जो फोकस है वो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। एक तो हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में, एंड दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। ठीक है, तो सारी बातें अच्छे से सुन लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूजा जैन क्लासेस। वहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स एंड वीकली करेंट अफेयर्स की जो PDF है वो फ्री में अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डन। लेकिन ये आज का करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 29th of July में एंड 28th of July में जो भी हमने इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। पहले इम्पॉर्टेंट डे देखेंगे, फिर यूनेस्को के बारे में बात करेंगे, देन हम पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज का जो डे है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, और टाइगर को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा भी करती है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को रन भी करती है, इसलिए ये दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एवरी ईयर सिंस 2010, कब से मना रहे हैं, 2010 से। तो सिंस 2010 आप देखेंगे हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं 29th of July को, टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अक्रॉस द ग्लोब। एक्चुअली सेंट पीटरबर्ग में 2010 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि पूरा वर्ल्ड मिलकर टाइगर को कंजर्व करेगा, इसलिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिफ्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022। एक्चुअली 4 साल में, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन या सेंसस की काउंटिंग होती है ना हर 10 साल में होती है, वैसे टाइगर्स का जो असेसमेंट होता है वो 4 ईयर्स में होता है। तो 2022 का असेसमेंट ही लास्ट असेसमेंट था, इसको ही हम देखेंगे, जो कि आपकी 5th नंबर का एडिशन या 5th नंबर की साइकिल था। सो 5th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने मिनिमम टाइगर कितने हैं वो बताया, मैक्सिमम टाइगर है कितने हो सकते हैं वो बताया, और एक एवरेज बताया। ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ पर रहेगा, एवरेज पे ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा। क्वेश्चन बनना होगा तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा, फिर भी हम सारा कुछ देखेंगे। इसमें कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर हैं, 70% टाइगर आपको कहाँ पर मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। और इंडिया में भी मैक्सिमम टाइगर कहाँ पर मिलेंगे, MP में मिलेंगे। तो MP को हमने कह दिया कि MP टाइगर स्टेट है। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि मिनिमम टाइगर 3167 मिनिमम टाइगर्स आपको मिल जाएंगे इंडिया में। फिर इन्होंने मैक्सिमम या अपर लिमिट भी बताई है 3925। हमें बात करनी एवरेज टाइगर कितने हैं हमारी कंट्री में, तो एवरेज जो काउंटिंग है टाइगर की, हमारी कंट्री में टोटल टाइगर 3682 है। ये नंबर रट लीजिए, किसी पेपर में मिलेगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रही हूँ ये नंबर आपको SSC रेलवे के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस आपके स्टेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ये नंबर आपको मिल सकता है 3682। टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में बताई जाती है, जबकि पूरे वर्ल्ड का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 5574 है। तो लगभग 70% आप देखोगे इंडिया में टाइगर आपको मिल जाएंगे। आप देखो 2006 से हमारे देश में लगातार टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, और 2023 में हमारे देश में 3682 टाइगर हैं। ये PIB का डेटा है। ठीक है, फिर PIB ने एक रोड मैप भी दिया है कि किस तरीके से हमने टाइगर कंजर्वेशन के डायरेक्शन में काम किया है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने 1969 में जो भी एक्सपोर्ट होता था बिग कैट्स या वाइल्ड कैट की स्किन का, उसको हमने बैन कर दिया। ठीक है, फिर 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, फिर 1973 में हम प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए, फिर 2006 में हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मतलब NTCA का फॉर्मेशन कर दिया, फिर 2010 में हमने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करेंगे, और 2023 को हमने जब
हम 50वीं एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी मना रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 2023 में हमने अनाउंस कर दिया था क्या, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो हमने यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना ली जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जिसमें आपको 7 बिग कैट्स की जो कंट्रीज है 96 कंट्रीज उनका कोलिजन देखने को मिलता है, और वन टाइम बजट भी दिया है 150 करोड़ रुपीज इंडिया ने। तो ये हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये भी PIB ने पब्लिश की है। आई थिंक ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 2006 में हमने NTCA बनाया, 2010 में हमने डिक्लेयर किया कि हम टाइगर डे सेलिब्रेट करेंगे, फिर 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये थोड़ा सा टाइमलाइन याद रखना, टोटल पॉपुलेशन टाइगर की है ये देख लेना 3682 टाइगर्स है। ओके, और क्या बोला जा रहा है इसमें, चलो देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि इंटरनेशनल टाइगर डे हम मना रहे हैं आज 29th of July को, ठीक है। 70% टाइगर आपको इंडिया में मिल जाएंगे, 3682 टाइगर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन कितने हैं, 54 है। PIB का डेटा है, आप चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। कोई नहीं कहेगा 53 है 55 है, PIB ने बोल दिया 54 है तो 54 ही है, ठीक है। 54 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, कितने हैं 54। फिर इन्होंने कहा है कि 1973 में जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर को ऑफिशियली स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से किया था। उस समय ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में है, इसलिए यहाँ पे PIB ने उत्तर प्रदेश ही छाप दिया। लेकिन उत्तराखंड में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अब अलग अलग है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये आपके उत्तराखंड में है। यहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व है जिसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर को फर्स्ट फेज में स्टार्ट किया था। तो ये 9 टाइगर रिजर्व की भी लिस्ट है, आप देख सकते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, जैसे कि पालमू बिहार में, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मानस आसाम में, रणथंभौर राजस्थान में है, फिर कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, और बांदीपुर मैसूर कर्नाटका में। सो ये सारा डेटा PIB ने पब्लिश किया है और वहीं से ये डेटा लिया गया है, ठीक है। डन इतनी चीजें। चलिए, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 29th of July को टाइगर्स डे। कल मतलब 28th of July को एक्चुअली संडे था, तो संडे को तो हमारा करंट अफेयर्स होता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने वीकली करंट अफेयर्स और 60 MCQ के साथ डिस्कस किया था, आई होप आपने देख लिया होगा, तो उन 60 क्वेश्चन को लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। टाइम अगर इसको देखा जाए, थीम तो इट्स टाइम फॉर एक्शन आपकी थीम है। 28th of July को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया, और हेपेटाइटिस का जो बर्डन है, हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो सबसे ज़्यादा बर्डन है, वो चाइना और चाइना के बाद इंडिया में आपको मिल जाएगा। हेपेटाइटिस लीवर को इफेक्ट करता है, और 2010 में ही इसको भी शुरू किया गया था, ठीक है। 2010 में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को डिक्लेयर किया था। क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इस दिन एक नोबल अवार्डी हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर ब्लूमबर्ग को नोबल अवार्ड मिला था, नोबल प्राइज दिया गया था, कब, 1967 में। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई थी। तो इनको ही सम्मान देने के लिए 2010 में WHO ने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाएंगे, 28 जुलाई को मनाएंगे, एंड थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट, 28th of July को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी था, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जिसकी थीम क्या थी, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, इसके पहले जाते हैं 27th of July, तो 27th of July को हमने CRPF का राइजिंग डे मनाया, ठीक है। तो CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है, इनका राइजिंग डे हमने 27th of July को मनाया था। CRPF का फॉर्मेशन एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस हुआ था, इसका इनिशियल नाम क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। इसका फॉर्मेशन 27th of July 1939 को हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट में आप कह सकते हो कि सुरक्षा व्यवस्था बनाना, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को फॉर्म किया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमने एक एक्ट पास किया, और एक्ट पास करने के बाद इसको रिनेम कर दिया एज अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कब हुआ था ये, तो 28th of December 1949 को हुआ था, ठीक है। इसलिए हम 27th of July को CRPF राइजिंग डे मनाते हैं। ओके, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डे हैं, 29 के, 28 के और 27 के। चलिए अब बात आती है यूनेस्को के बारे में।
हम सभी को पता ही है कि 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट कर रहा है इंडिया, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। सेवरल टाइम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि पहली बार इंडिया कोई इतनी बड़ी मीटिंग को होस्ट कर रहा है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट भी है, जैसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ना, वैसे एक डेंजर साइट की भी लिस्ट है, क्योंकि मतलब ऐसी कोई साइट जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती है और बिकॉज ऑफ, अगर नेचुरल साइट है तो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या बिकॉज ऑफ इनक्रोचमेंट वो डेंजर में है। जैसे कि अभी गाजा, इसराइल और पैलेस्तीन का भी जो वॉर चल रहा है, गाजा हमास मतलब जो वॉर चल रहा है उसके कारण गाजा में जो यूनेस्को की साइट है वो डेंजर में है, इसलिए इसको डेंजर लिस्ट में शामिल किया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो आपको ये साइट देखने को मिल रही होगी जो कि एक क्रिश्चियन मोनेस्ट्री है जिसका नाम है सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स। सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन द मिडिल ईस्ट, हैज बीन पुट ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर ड्यू टू द वॉर इन गाजा। सो गाजा में वॉर चलने के कारण इसको डेंजर लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है, सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स या मॉनेस्ट्री, जो कि क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री है और आपको गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन में देखने को मिलेगी। 340 कॉमन एरा मतलब CE में इसका फॉर्मेशन हुआ था। डन, इतनी चीजें क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे देश के बारे में। तो हमारे देश में 43 नंबर की यूनेस्को साइट बन चुकी है, पहले नॉमिनेशन किया गया था, फाइनली इसको अप्रूवल भी मिल गया है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे देश में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, 43 हमारी कंट्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 43 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बन गई है, तो चराईदेव मैडम बन गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं चराईदेव मैडम डेजिग्नेट एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। ठीक है, इसका एसोसिएशन अहोम डायनेस्टी या अहोम किंगडम से आपको देखने को मिल जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट की पहली कल्चर साइट है। एक्चुअली यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें दो कैटेगरी होती है, एक नेचुरल होती है और एक कल्चरल होती है। तो नेचुरल तो ऑलरेडी दो साइट्स हैं, लेकिन कल्चरल पहली साइट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है और टोटल नंबर हो गया है 43। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पे आ चुका है अब, जहां पर सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, तो चराईदेव मैडम अ यूनिक 700 ईयर ओल्ड माउंट, एक बरियल साइट है जो कि रिलेटेड है अहोम डायनेस्टी की रॉयल फैमिली से, अहोम वंश के जो राजा महाराजा रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको वहां पे दफनाया गया है, तो एक बरियल साइट है। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। कहाँ पर है, गुवाहाटी असम से कुछ दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगी। अहोम डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, चाओ लूंग सुखपा। ठीक है, इन्होंने 1253 में अहोम वंश की शुरुआत या अहोम डायनेस्टी की शुरुआत की थी, चाओ लूंग सुखफा इनका नाम है। ओके, यहां पे टोटल जो अभी तक एक्सकेवेशन हुआ है, टोटल जो बरियल साइट्स मिली हैं वो 386 मैडम्स हैं और 90 बरियल साइट्स जो है यहां पर अभी तक बेस्ट प्रिजर्व की गई हैं। ठीक है, और ये आपकी 43 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड साइट बन चुकी है और इंडिया की पोजीशन 6 नंबर पे आ गई है। इंडिया अब 6वें नंबर पे आता है जिसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके है जी, और ये पहली साइट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है कल्चर कैटेगरी में। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में दो और साइट्स आपको मिल जाएंगे जो नेचुरल कैटेगरी में है, एक है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नेचुरल लिस्ट में 1985 को शामिल किया था। कब इंडक्ट हुई थी ये, 1985 में इसको शामिल किया गया था। सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर हैं, तो इटली में है। इटली में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है विच इज 59, उसके बाद आपको चाइना में मिल जाएंगी 57। इंडिया 6 पोजीशन पे है विथ 43 साइट्स। डन, पहली बार कौन सी साइट है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, तो अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ताजमहल इन आगरा, आगरा का फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। ये कुछ पहली साइट है जिनको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कल्चर एंड टूरिज्म को संभालने का काम कर रहे हैं। अब एक छोटी सी लिस्ट है जो आपको याद करनी है
और मैक्सिमम लोगों को याद होगी भी, ठीक है ना। तो मैं एक बार रिपीट जरूर कर दूंगी इसको, देखेंगे ये लेटेस्ट मोस्ट साइट्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई हैं। जैसे कि अभी सीपीओ का पेपर आया था तो धौलावीरा से क्वेश्चन सीपीओ में पूछा था, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी को 2009 में जयपुर को कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया था। फिर आप देखेंगे जो काकतीय रुद्रेश्वर या रमप्पा टेम्पल है, तो 2021 में तेलंगाना के इनको शामिल किया गया था। फिर धौलावीरा 2021 में गुजरात में, शांति निकेतन 2023 में वेस्ट बंगाल में, होयसल टेम्पल कर्नाटका 2023, और अब यहाँ पर आपको ये बरियल साइट मिल गई है 2024 में आसाम में। और ये सारी की सारी देखो कल्चरल साइट आपको मिल रही हैं। तो ये लेटेस्ट मोस्ट एडिशन है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है। ओके डन। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग भी एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे नो डाउट, बट आपको पीवाईक्यू भी लगाने हैं। एंड पीवाईक्यू के लिए ये हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जेई, ठीक है, इनके 5 साल के लगभग 500 से ज़्यादा एमसीक्यू को यहाँ पे रखा गया है, पीवाईक्यूज है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा खासा डेटाबेस भी रेडी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें स्किप करना है, ठीक है। कुछ वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर लिए भी हुए हैं, आई थिंक आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे, तो ये आपको मिल जाएगी कहाँ पर, एप्लीकेशन पर। तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, पूजा जैन क्लासेस, ठीक है, पूजा जैन क्लासेस। जैसे कि हिस्ट्री का पीवाईक्यू है वैसे ही पॉलिटी ज्योग्राफी का भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ, जैसे ही बन जाता है मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है डन। चलो अब आते हैं वापस। पहली बार इस तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, इसलिए अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया यूएसए साइन एग्रीमेंट टू कर्ब इलीगल ट्रेड इन द इंडियन एंटिक्स और आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे आपको पता है हमेशा स्मगलिंग होती आई है, इंडिया के जो आर्टिफैक्ट हैं, पुरानी हमारी जो भी ज्वेलरीज रही हैं राजा महाराजाओं की, इनफैक्ट आपकी जो मूर्तियाँ रही हैं भगवानों की, वो हमेशा स्मगल होती रही हैं। तो अब समय आ गया है कि इसको रोका जाए और पुराना जो भी स्मगलिंग हुआ है या जो भी आर्टिफैक्ट यूएसए में है उनको इंडिया वापस लाया जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है। अभी जो 46 नंबर की आपकी यूनेस्को की मीटिंग चल रही है ना न्यू दिल्ली में, उसमें ही एग्रीमेंट साइन हुआ है। और एग्रीमेंट क्या करेगा, विल हेल्प ब्रिंग बैक स्मगल्ड इंडियन आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ पे जो भी स्मगलिंग हुई है इंडिया के पुराने आर्टिफैक्ट्स को, तो उनको कस्टम अमेरिकन कस्टम डिपार्टमेंट वापस इंडिया में लेकर आएगा, मदद करेगा, ठीक है। तो इंडिया एंड यूएसए हैव साइन अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। दिस इज अ फर्स्ट काइंड ऑफ एग्रीमेंट, किस तरीके का एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए साइन कर रहे हैं, टू स्टॉप द इलीगल ट्रेड इन द इंडियन एंटिक्विटीज इन द यूएसए। इसका ये पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है जो कि इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकेगा इंडिया से जो भी आर्टिफैक्ट जाते हैं यूएसए में, और ये अलाइन होता है 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन से जिसका पर्पस यही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कल्चरल प्रॉपर्टी का ट्रांसपोर्ट ये सब इस कन्वेंशन का पार्ट है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमको ये भी बताया है कि सिंस 1976 358 जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको वापस लाया गया है इंडिया, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है, डन। चलो अब यहाँ पर एक और अचीवमेंट आया है, क्या आया है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है फॉर 2024-2025। तो 2024-2025 के लिए चेयरमैनशिप किसकी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की किसको मिली है, इंडिया को मिली है। और ये चेयरमैनशिप किसने हैंडओवर की है, चाइना ने की है, क्योंकि चाइना 2023-2024 के लिए चेयरमैन था, समझ में आया इतना। रिसेंटली मीटिंग हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, और बैंकॉक थाईलैंड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 2024-2025 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास रहेगी, ठीक है। और राजेंद्र सिंह
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया और इनके पास ही चेयरमैनशिप आई है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। नाम से समझ में आ रहा है एशिया पैसिफिक एरिया में कई सारे साइक्लोन आते हैं, कई सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, तो किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है इन सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बेसिकली ये काम करता है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का फॉर्मेशन 1986 में हुआ था। एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडिंग मेंबर चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी हो गए। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट सिनकुला टनल के बारे में। अभी फिलहाल जो है वो चाइना में हाईएस्ट टनल है, लेकिन जब हमारी ये टनल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बन जाएगी। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली ये लद्दाख गए हुए थे। अभी आपका जो 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया था, तो यहाँ पर गए हुए थे कारगिल, और वहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया, मतलब पहला ब्लास्ट किया द्रास रीजन में। टनलिंग करने के लिए, टनल बनाने के लिए ब्लास्ट करना होता है, तो पहली इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया प्रोजेक्ट का और ब्लास्टिंग करके। इसका कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? तो BRO इस टनल का कंस्ट्रक्शन करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरीड आउट द फर्स्ट ब्लास्ट फॉर द सिनकुला टनल इन द लद्दाख, एम्ड एट प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम मनाली टू लेह बाया नीमू पादम दारशा रोड। तो यहाँ पर ये मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा और लद्दाख तक आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इसका कंस्ट्रक्शन BRO करेगा और ये टनल 15,800 फीट की हाइट पर तैयार की जा रही है और 4 सालों में बनके तैयार हो जाएगी, 4 ईयर में रेडी हो जाएगी। अभी जो वर्ल्ड की हाइएस्ट टनल है वो चाइना की मीला टनल है। चाइना की मीला टनल आपको मिल जाएगी जो कि 15,590 फीट पर है, लेकिन हमारी टनल जब बन जाएगी तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल होगी। ठीक है, अगर आप मैप में इस टनल को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे। ये देखिए लेह टू मनाली कनेक्ट कर रहा है, नीमू पादम दारशा रोड इसको बोला जा रहा है। ठीक है, डन। इसके कारण क्या होगा, हम लद्दाख सेक्टर में इजिली लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचा सकेंगे और अपने फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर सकेंगे। ठीक है, द 4.1 किलोमीटर लॉन्ग सिनकुला टनल ये मनाली और लेह के बीच के डिस्टेंस को 60 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देगी। अब यहाँ पे बजट के बारे में बात कर लेते हैं। बजट आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, डेली हम एक दो क्वेश्चन तो बजट के उठा ही लेते हैं। यहाँ पर BRO को 6,500 करोड़ रुपीज़ बजट दिया गया है 24-25 के लिए, जो लास्ट एडिशन के कंपैरिजन में 30% ज़्यादा है। ठीक है, तो BRO को कितना बजट मिला है, 6,500 करोड़ रुपीज़ का बजट BRO को दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं विम्सटेक। विम्सटेक का फुल फॉर्म एग्जाम में पहले भी बना है, आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये आपका विम्सटेक का फुल फॉर्म है और रिसेंटली 4th नंबर की विम्सटेक के सिक्योरिटी जो चीफ्स होते हैं, जैसे कि हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वैसे अलग अलग कंट्रियों के भी सिक्योरिटी चीफ होते हैं, तो उनकी 4th नंबर की मीटिंग रिसेंटली हुई है। कहाँ पर? म्यांमार की कैपिटल नाइपे ताऊ में। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नाइपे ताऊ। यहाँ पर आपको 4th नंबर की मीटिंग देखने को मिलेगी और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? अजीत डोभाल ने, क्योंकि यही तो हमारे देश के NSA हैं। इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सभी लोगों के सिक्योरिटी चीफ यहाँ पर शामिल हुए थे और इन्होंने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे रीजन में उस पर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 4th नंबर की मीटिंग है, तो 3 और मीटिंग देख ही लेते हैं। पहली जो मीटिंग हुई थी वो इंडिया में हुई थी इन मार्च 2017, सेकेंड मीटिंग ढाका बांग्लादेश में हुई थी, फिर 3rd मीटिंग थाईलैंड में, और अब ये 4th मीटिंग आपको म्यांमार में देखने को मिल रही है। अगर हम विम्सटेक के बारे में बात करते हैं तो विम्सटेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। मेंबर नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार है। इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में मिल जाएगा।
चलिए वापस आते हैं बजट में। एक स्कीम पर डिस्कशन करना है जो बजट में बोली गई है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सेशन हो सकता है लेंथी हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, सो मॉडल स्किल लोन स्कीम, मॉडल स्किल लोन स्कीम। एक्चुअली ये स्कीम ना 2015 में लॉन्च की गई थी, इनिशियली 2015 की स्कीम है फॉर द स्किल डेवलपमेंट। इसको क्यों लॉन्च किया गया था, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन इसका इसके में जो बजट था या इसमें जो आप लोन प्रोवाइड कर रहे थे वो बहुत कम था। लोन अमाउंट क्या था, लोन अमाउंट बहुत कम था, मिनिमम था, और यहाँ पे कोर्स की फीस ज़्यादा थी। तो आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो, बच्चे को बोल रहे हो कि आप आईआईटी के कोर्स में या डिफरेंट आईटीआई के कोर्स में एडमिशन ले लो, और आपने लोन अमाउंट कम रखा है, कोर्स फीस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिशरीज कम होंगे। तो अब ज़रूरत है इसको हम रिवाइज करें, रिवैम्प करें, इसलिए यहाँ पे बजट में इसको रिवैम्प किया गया। तो रिवैम्प मॉडल स्किल लोन स्कीम वॉज लॉन्च रिसेंटली विथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और इसमें कुछ रिवीजन किए गए हैं, हमें वो रिवीजन देखने हैं कि क्या हुआ है आखिरकार। तो पहली चीज, लोन अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है, 7.5 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा यूथ को, स्टूडेंट्स को 7.5 लाख रुपए तक का लोन इसमें मिलेगा। इसमें कोलेट्रल फ्री लोन है और आपकी गारंटी गवर्नमेंट ले रही है, कोई टेंशन नहीं। इससे लगभग 25,000 स्टूडेंट को एनुअली फायदा होगा, ऐसा टारगेट है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट के बारे में अगर बात करें, हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन लोन फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो किसी और स्कीम से एसोसिएटेड नहीं है, उनके लिए आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ई वाउचर फॉर लोन अप टू द 10 लाख रुपीज़ दिया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन इन द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। ऐसा नहीं है कि पैसे लेके विदेश में पढ़ने जाना है, नहीं, इंडिया के इंस्टीट्यूट में ही आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, और आपको ई वाउचर मिलेगा कितना, अप टू 10 लाख रुपीज़ का। ई वाउचर का ये मतलब है कि हमने आपको एक मैसेज भेज दिया, ठीक है, आप जब एडमिशन लेने जा रहे हो किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो आप वो ई वाउचर दिखा दोगे और वो ई वाउचर को स्कैन कर लेगा और हम उनमें फंड ट्रांसफ़र कर देंगे। लाइक प्रोमो कोड बोल सकते हो आप, टोकन अमाउंट बोल सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। और इस लोन पे 3% का आपको सबवेंशन, मतलब 3% का डिस्काउंट या छूट आपको इसमें मिलेगी। अब यहाँ पे ये जो स्किल के लिए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हो, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए टोटल बजट कितना दिया गया है, 1.48 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन टू कोर्स कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जैसे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उनमें एलिजिबल है। अच्छा, रीपेमेंट तो करना पड़ेगी, लोन ले रहे हो तो रीपेमेंट का अमाउंट क्या है, तो देखो अगर आपने 50,000 रुपये तक का लोन लिया है तो 3 साल में आप रीपेमेंट कर दो। अगर आपका लोन अमाउंट 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का है तो 5 साल में आप इसको रीपेमेंट कर दो। अगर लोन अमाउंट आपका 1 लाख रुपीज़ है, अबव 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप 7 ईयर्स के अंदर इसको रीपेमेंट कर सकते हो। ये बेसिकली इस स्कीम के पार्ट है। पुलिस लॉन्च निगरानी, इंगेज चौकीदार्स टू द कॉम्बैट ड्रग थ्रेट। यहाँ पे भटिंडा पुलिस डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और जो विलेजेस के चौकीदार हैं उनको भी इसमें शामिल किया है स्टेट पुलिस के साथ, और इस इनिशिएटिव का नाम है निगरानी। इनिशियली इसको 70 विलेजेस में लॉन्च किया है, पर्पस क्या है, ड्रग एब्यूज को कम करना, ठीक है, मिशन निगरानी। चलो अब बात करेंगे हम केवल और केवल ओलंपिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, मतलब प्लेयर्स के बारे में बात करने वाली हूँ, उनको ध्यान से समझना, वो कहीं भी किसी भी पेपर में दिख सकते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो पेरिस, फ्रांस, किस नदी के किनारे आपको ये मिल जाएगा, तो सीन नदी, ठीक है, सीन रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली जब ओलंपिक्स की शुरुआत होती है और जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो किसी स्टेडियम में होती है, लेकिन पहली बार ऐसे ओपन प्रमाइसेस में, मतलब सीन नदी के किनारे आप देख रहे हो कि पहली बार ये सेरेमनी हो रही है, इसलिए अपने आप में खास है। इसमें बेसिकली 6 किलोमीटर का रास्ता था और 6 किलोमीटर में लगभग 90 बोट्स थी और सभी एथलीट इन 90 बोट्स में बैठ कर गए थे, ठीक है, घूम रहे थे बढ़िया बिंदास। चलो बात कर लेंगे 33rd समर ओलंपिक्स
opened with a first of its kind opening ceremony in the France capital city of Paris. तो पहली बार यहाँ पे summer Olympics को जो traditional opening ceremony होती है कि किसी stadium में हो रही है वैसा ना करके Seine River के किनारे इसको किया गया था पहली बार. ठीक है, इंडियन कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? शरद कमल कर रहे थे, शरद कमल और पीवी सिंधु. ठीक है, इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है. लगभग 6,800 एथलीट थे जिन्होंने इस ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और 90 बोट्स में 6 किलोमीटर के रूट को कवर किया था. ग्रीस से शुरुआत होती है ओलंपिक्स की, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी में पहली पोजीशन किसको मिलती है? ग्रीस को मिलती है. एज ऑलवेज ग्रीस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीड द ओपनिंग सेरेमनी. और जो होस्ट कंट्री होता है वो लास्ट में होता है, फर्स्ट में ग्रीस होता है और लास्ट में होस्ट कंट्री होता है, तो लास्ट में कौन था? फ्रांस था. ठीक है, डन इतनी चीजें. अब इंडिया किस पोजीशन पे था? तो इंडिया का ऑर्डर था 84 और इंडिया की जो बोट थी जिसमें इंडियन एथलीट्स थे उस बोट को शेयर किया गया था विद ईरान और इंडोनेशिया की टीम के साथ. ऐसा इंडिविजुअल हर एक कंट्री को बोट नहीं मिल रही थी, ठीक है, शेयर करना पड़ता है ना. तो इंडियन कंटिजेंट की जो ऑर्डर नंबर था वो 84 था. फर्स्ट नंबर पे ग्रीस की टीम, लास्ट नंबर पे फ्रांस और 84 पे इंडिया की टीम थी. इंडिया की एथलीट की जो बोट थी उसको शेयर किया गया था ईरान और इंडोनेशिया की टीम के साथ. अब इंडियन टीम ने यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अटायर पहना था, आई होप आपने देखा होगा, ड्रेस देखी होंगी जो एथलीट पार्टिसिपेट करने गए हैं. और इस अटायर को डिजाइन किसने किया था? एक फेमस फैशन डिजाइनर है जिनका नाम है तरुण, जिनका नाम क्या है? तरुण तहिलानी. इन्होंने इसको डिजाइन करने का काम किया था. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से, मतलब पेरिस गए हुए हैं. तो इंडिया ने 117 एथलीट्स को पेरिस में भेजा है, ठीक है, पेरिस गेम्स के लिए भेजा है. द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजेंट एवर आफ्टर द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स गेम, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक गेम में 121 एथलीट गए थे और अभी आपको 117 एथलीट देखने को मिल जाएंगे. इनमें से 70 मेल और 47 फीमेल हैं. 70 मेल और 47 आपको फीमेल देखने को मिल जाएंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट कहाँ के हैं? यूएसए के हैं. यूएसए के 640 एथलीट गए हैं मैक्सिमम नंबर, फॉलोड बाय द फ्रांस 608 एथलीट्स. ठीक है, तो हमें याद रखना इंडिया के 117 है, 70 मेल है, 47 फीमेल है. ओके, चलो नेक्स्ट. टोटल जो पेरिस ओलंपिक में स्पोर्ट्स होंगे वो 32 स्पोर्ट्स होंगे और इंडिया की टीम 16 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगी. टोटल स्पोर्ट 32 है, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा 16 इवेंट में. ठीक है, इतनी चीजें. और मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट इंडिया के पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? एथलेटिक्स में, और 21 पार्टिसिपेट कर रहे हैं शूटिंग में. ओके है, पहली बार पेरिस ओलंपिक या ओलंपिक्स में ब्रेकिंग, सर्फिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग को, ये 4 न्यू गेम्स को इंडक्ट किया गया है पहली बार. ठीक है, अभी तक ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल 35 मेडल्स जीते हैं. अभी तक इंडिया ने, अगर पेरिस ओलंपिक को छोड़ दिया जाए, उसके पहले जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, तो टोटल इंडिया ने 35 मेडल्स अभी तक समर ओलंपिक्स में जीते हैं. अब जब समर ओलंपिक्स की बात हो रही है तो मैं कुछ प्लेयर्स आपको बताना चाहती हूँ जिनके नाम आपको याद रखने स्टैटिक के लिए. पहले पर्सन है नॉर्मन प्रिचहार्ट. ठीक है, नॉर्मन प्रिचहार्ट ये फर्स्ट मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीता था. इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में, एक 200 मीटर रेस में और एक 200 मीटर हर्डल रेस में. ठीक है, फिर अगर हम अपनी हॉकी टीम के बारे में बात करें तो हॉकी टीम ने 12 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रोंज मेडल है. अभी जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे तब भी हमने यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता था हमारी हॉकी टीम ने. ठीक है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद के डी जाधव जो कि एक वेट लिफ्टर है, के डी जाधव ने पहला इंडिया के लिए इंडिविजुअल मेडल जीता है. ठीक है, ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में. फिर पहले इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता है. तो गोल्ड मेडल पहली बार ओलंपिक्स में किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा ने जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में. ओके, नेक्स्ट नाम आता है नीरज चोपड़ा का. तो नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडिविजुअल हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में.
पहले तो अभिनव बिंद्रा है इंडिविजुअल कैटेगरी में, सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा है, इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। अगला नाम आता है सुशील कुमार। सुशील कुमार रेसलर है, हमारे देश के रेसलर है, और इन्होंने दो बार ब्रोंज मेडल जीता है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में भी और 2012 के सिल्वर ओलंपिक्स में। ठीक है, तो दो बार इन्होंने मेडल जीता है और ये एकमात्र ऐसे मेल कैटेगरी में इंडिविजुअल प्लेयर हैं सुशील कुमार जो कि रेसलर हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज मेडल और 2012 के में सिल्वर मेडल जीता है लंदन में। वहीं अगर हम फीमेल बैडमिंटन प्लेयर के बारे में बात करें, पीवी सिंधु, ये भी केवल और केवल एकमात्र फीमेल एथलीट है जिन्होंने दो इंडिविजुअल कैटेगरी में दो मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल 2016 के रियो ओलंपिक्स में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, इतनी चीज़ें, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, इनका स्पोर्ट्स याद रखना है और कब इन्होंने मेडल जीता ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक का जो मेडल है, तो ये आपको मेडल दिख रहा है, गोल्ड है, सिल्वर है और ब्रोंज मेडल है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो हेक्सागोनल शेप दिख रहा है, ये जो धातु है, ये जो मेटल है, ये आइफल टावर का है। ठीक है, जब आइफल टावर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया होगा, आइफल टावर की मरम्मत की हो गई, तो कुछ निकलता है ना आयरन वगैरह, तो उसको ये मेल्ट करके यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक हिस्ट्री दैट अ होस्ट सिटी हैज इंक्लूडेड पीस ऑफ फेमस मोनूमेंट इन द मेडल। पहली बार किसी कंट्री ने अपने देश के मोनूमेंट के मेडल को या मेटल को मेडल में इंडक्ट किया है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये हेक्सागोनल आयरन शेप बेसिकली फ्रांस के एक मैप को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक ज्वेलरी हाउस है फ्रांस में, उन्होंने इसको तैयार किया है, जिसका नाम क्या है, चोमेट। डन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इनके वेट वगैरह में आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिएगा, ये आपका गोल्ड मेडल है, यहाँ पे गोल्ड का वेट, जो गोल्ड मेडल है उसका वेट 529 ग्राम्स है, सिल्वर और ब्रोंज आपको दिख रहे हैं, और इसमें आयरन जो यूज़ किया गया है आइफिल टावर का, वो 18 ग्राम्स यूज़ किया है। ब्लू रिबन वाले जो हैं वो दिखाते हैं समर ओलंपिक को, और रेड वाला जो रिबन है वो दिखाता है पैरा ओलंपिक्स को। ठीक है, इतनी चीज़ें, ये आपको दिख रहा है, ये जो हेक्सागोनल शेप है ये फ्रांस के मैप को दिखाता है, यहाँ पर ये आइफिल टावर का मतलब आइफिल टावर आपका बनाया गया है। ओके, इसके अलावा ये जो मेटल यूज़ किया है, ये आइफल टावर का यूज़ किया गया है, जैसा कि हमने मेंशन किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट इंडिकेट करती है, जो पेरिस है उसका निकनेम क्या है, सिटी ऑफ लाइट्स, तो सिटी ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये मेडल, तो ये आपका गोल्ड मेडल हो गया। अब इसके बैक साइड देखते हैं कि बैक साइड में क्या है, तो बैक साइड में भी आपको यहाँ पर ग्रीक गॉडेस का स्टैचू देखने को मिलता है, तो एंशियंट ग्रीक गॉडेस है, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, ठीक है, जिनका नाम है नाइक, तो नाइकी का यहाँ पे आपको, नाइक का एक गॉडेस है, उनका स्टैचू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बैक में आपको आइफल टावर देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्रमाइसिस जैसा ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है, ये एक्रोपोलिस ऑफ एथेन है। क्या है, एक्रोपोलिस ऑफ एथेन, तो इस तरीके से आपको बैक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। डन, इतनी चीज़ें, चलिए और क्या है, ये पैरा ओलंपिक वाली डिज़ाइन है, पैरा ओलंपिक्स के लिए जो मेडल दिया जाएगा ना उसकी डिज़ाइन है, तो यहाँ पर ये जो व्यू दिख रहा है ना, ये आइफल टावर का टॉप व्यू है, तो आइफल टावर का ये आपको अपवर्ड जो व्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो डॉट्स वगैरह बनाए हुए हैं, ये ब्रेल लिपि है, ब्रेल स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक्स के लिए, जिससे अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि ये गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है या ब्रोंज मेडल है, क्योंकि गोल्ड के लिए 1, सिल्वर के लिए 2 एंड यहाँ पे ब्रोंज के लिए 3 यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, इनग्रेव किया गया है। ठीक है, डन, इतनी चीज़ें, तो ये ब्रेल लैंग्वेज में पेरिस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका पैरा ओलंपिक का मेडल देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मैस्कॉट के बारे में, शुभांकर क्या है हमारे पेरिस गेम्स का, ये है फ्रिगिस, और ये मैस्कॉट है पेरिस ओलंपिक के, जो कि इंस्पायर है फ्रांस लिब्रेशन से, ठीक है, जिसका मतलब है फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड स्पिरिट। ठीक है, तो ये आपको फ्रिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैस्कॉट है पेरिस ओलंपिक के। अब पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल भारत को मिल चुका है, और पहला मेडल कौन ने ला के दिया है, मनु भाकर ने।
ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द पेरिस ओलंपिक 2024 एज द मनु भाकर सिक्योर ब्रोंज। तो मनु भाकर जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल लाके दिया है और पेरिस ओलंपिक का ये पहला मेडल है जो भारत को मिला है। इनका स्कोर 221.7 रहा है। अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12 सालों के बाद 12 ईयर्स के बाद हमें शूटिंग में मेडल मिला है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है ये। लास्ट टाइम गगन नारंग और विजय ने वह जीता था लंदन में मेडल, ठीक है, और यहाँ पे 12 सालों के बाद हमें शूटिंग में मेडल मिल रहा है। वो भी कौन लाके दे रही है? मनु भाकर लाके दे रही है। मनु भाकर पहली इंडियन वीमेन है जो कि क्वालिफाई हुई है 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में वीमेन्स कैटेगरी में ओलंपिक्स में। तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट नाम है मनु भाकर का। ये नाम कहीं किसी पेपर में 100% मिलेगा। इनका एसोसिएशन शूटिंग से है, ठीक है। आज की लास्ट न्यूज हम देखेंगे, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डिस्कशन करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज, ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज का एक ग्रुप, काइंड ऑफ ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसको पोर्चुगल में क्या कहा जा रहा है, इसको पोर्चुगल में या स्पेनिश भाषा में कहा जाता है क्या? मार्क्योसुर, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कि ये ब्लॉक है क्या। बेसिकली ये एक सदर्न कॉमन मार्केट है जो कि ट्रेडिंग को प्रमोट करता है, जिसका हेडक्वार्टर उरुग्वे में है, और यहाँ पर इस ग्रुप को रिसेंटली बोलिविया ने ज्वाइन किया है। सो बोलिविया बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द MERCOSUR ग्रुपिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज ट्रेड विथ अ मेंबर कंट्री। ये एक सदर्न कॉमन मार्केट है जो कि ट्रेड को प्रमोट करता है लैटिन अमेरिका में, जिसका हेडक्वार्टर उरुग्वे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओरिजिनली इसका फॉर्मेशन 1991 में हुआ था, जिसका पर्पस था क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स। इट ओरिजिनली कंप्राइजेस अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है, और अभी फुल टाइम मेंबर आपको बोलीविया देखने को मिल रहा है। इट एम टू प्रमोट इकोनॉमी इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल अमंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश एंड पोर्चुगीज आपको ऑफिशियल लैंग्वेज इस ब्लॉक की देखने को मिल जाएगी। डन, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। याद कीजिए, हमने एमएसएमई डे मनाया था, अब आप मुझे बताओ कि हमने एमएसएमई डे कब मनाया था, और एमएसएमई डे के दिन हमने दो इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था, उनमें से एक है एमएसएमई टीम। तो ये इनिशिएटिव क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया, क्या इसका पर्पस है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। सो डन, आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर।